नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक डे के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आप मेरे सामने एक ग्लास देख रहे हैं दूध का, और सामने दो दो सिलेंडर हैं, इसे देख सकते हैं आप। और इस सिलेंडर को यहाँ इस ग्लास के ऊपर डाल देंगे, ओके, और इस सिलेंडर को यहाँ डालेंगे। अभी आप देखे हैं कि किस में ग्लास है, रेड वाले सिलेंडर के अंदर। अब यहाँ कुछ हम मैजिक करेंगे और फिर इसे ऊपर उठाएंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ गया है। ग्लास कहाँ है अभी? ग्लास यहाँ पे है। इसे यहाँ डालें और इसे यहाँ डालें। अब इसमें किए मैजिक। अब ग्लास कहाँ है? ग्लास यहाँ है। नहीं 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 नहीं, ग्लास तो यहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो खाली है। तो दोस्तों, यह जो खेल है यह बहुत ही शानदार खेल है, और इसे करना बिल्कुल ही आसान है। इसे आप समझने के बाद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर यह खेल पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए बताते हैं कि इस खेल को कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस खेल का नाम है पासा पासी मैजिक, और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप किसी भी मैजिक शॉप में ले सकते हैं। और मेरा एक खुद का मैजिक शॉप है जिसका नाम है सुमन मैजिक शॉप। यहाँ पर नंबर 100 हो रहा है 94-43-91-51। यहाँ पर आप किसी भी तरह के जादू का सामान अपने पास मंगवा सकते हैं। बस आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, और आप अपना ऑर्डर करके अपने पास मंगवा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यह जो ग्लास देख रहे हैं, यह ग्लास रियल ग्लास नहीं है, और ना ही इसमें रियल दूध डाला हुआ है। इसमें केमिकल वाला दूध है, और यह नीचे इसका पेंदी बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। यानी कि ना तो यह नीचे गिर सकता है और ना ही यह ऊपर गिर सकता है। तो इसे क्लोज कर दिया गया है एक डबल ग्लास के अंदर में, और बीच में भी यह बिल्कुल इम्पैटी है। बस देखने से ऐसा लगता है कि दूध इसमें डाला हुआ है। अब यहाँ पर जब हम खेल दिखाते हैं तो इस सिलेंडर को इसके अंदर डालते हैं। अब यहाँ सिलेंडर देखने में बीच में खाली है, इसके साइड में इसे डालने पर यह एडजस्ट हो जाता है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे डालने के बाद हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यह दूध बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे इसे डालने के बाद फिर हम जब इसे उठाएंगे तो इसमें ग्लास आ जाएगा, कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो सिलेंडर की बनावट आप समझ गए। अब जब खेल दिखाना है तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर खेल है तो उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी उसे आप किस तरह से दिखा सकते हैं। कुछ ऐसी भी आपके दिमाग में चीज़ें आ सकती है, आइडियाज आ सकते हैं, जो कि दूसरे मैजिशियन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आइडिया कहीं अलग से नहीं आता है, जो आइडिया आपके दिमाग में आता है वो हो सकता है कि एक ऐसा आइडिया हो, एक ऐसा यूनिक आइडिया हो जो बड़े बड़े मैजिशियन भी आपको देख करके कुछ सीखे। तो मैजिक में यही होता है कि जब तक आप एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, किसी खेल को देख करके वहाँ से सीखते नहीं हैं, अपने खेल में इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं, तो आप एक अच्छे मैजिशियन नहीं बन सकते हैं। तो मैजिक में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो दूसरे को खेल देख करके उससे कुछ सीखिए और कुछ नया करने की सोचिए। तो बस यहाँ पर जो आप खेल देखे हैं इसमें दोनों में एक एक ग्लास डाला हुआ है। अब पहले से बस एक ग्लास को इसमें हाइड करके रखते हैं, दूसरा ग्लास ऑडियंस के बिल्कुल सामने रहता है। अब बोलते हैं कि यहाँ मेरा खाली सिलेंडर है, इसे डालें, और एक सिलेंडर है इसे यहाँ डाल दिए। अब इसके अंदर दूध है, अब इस दूध को इसमें हम डाल देते हैं। अब दूध कहाँ है? दूध तो यहाँ है, लेकिन मैजिक किए दूध आ गया कहाँ? यहाँ पे आ गया। फिर अब इसी चीज़ को कई बार इसे यहाँ डाल दिए, और फिर यहाँ से मैजिक किए और ग्लास आ गया यहाँ पे। बस यही सिंपल सा ट्रिक है। और जब इस ग्लास को हम उठाते हैं यहाँ पे, इस सिलेंडर को उठाते हैं, तो ग्लास भी साथ साथ कैसे उठता है वो समझिए। यहाँ पे देखिए, इस सिलेंडर को उठाएंगे तो ग्लास यहाँ छूट जाता है। तो इसे साथ साथ उठाने के लिए यहाँ जो होल है इसे अपने अंगूठा से पुश करेंगे, और अंगूठा जैसे यहाँ पे एक उंगली हम डाल करके और ऊपर कर रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर ही यह ऊपर आ रहा है, उठ रहा है। और जिस सिलेंडर में यहाँ होल्ड नहीं करेंगे इसे दबा करके, तो यह ग्लास नीचे रह जाएगा, कुछ इस तरह से। आप देखिए गौर से, यहाँ पे है और इसमें हम होल्ड नहीं करेंगे और इसमें होल्ड करेंगे, इस होल में डाल करके इसे रोके,
अब देखिए यह आ गया ऊपर और इसमें जब नहीं डालेंगे तो यह आ जाएगा इधर। अब यह चीज़ मेरे अंगूठे से होता है तो अंगूठा से यह हाइड हो जाता है, यह बिल्कुल यहाँ यह जो होल है यह इससे छुप जाता है। अब देखने में ऐसा लगेगा कि इस सिलेंडर को हमने होल्ड करके रखा है, बस ये मेरे फेस की तरफ रहता है। तो हमें उम्मीद है कि यह खेल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खेल के साथ, तब तक लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।